Yashita and welcome back to my channel. And for today's video, we are going to be trying out some weird food combinations. हमारे आगे spread देख सकते हो, बहुत सारी different चीजें, तो हम इनको mix match करके खाने वाले आज. And मैं ये challenge अकेले नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी मम्मा को इसमें खींच लाई हूँ. So आज के video में मैं और mom दोनों ही weird food combinations try करने वाले हैं. So if you are interested, please keep on watching this video. But before we get started with today's video, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो. ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन YouTube. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. Hey guys, so challenge के लिए मैंने बहुत सारे weird food combinations internet से देखे हैं, so मैंने Google करा है. Plus last के जो दो challenge होंगे वो मैं और मम्मा एक दूसरे को देंगे. तो हम दोनों ही एक एक ingredient ले आए. मैं लाई हूँ पार्ले जी, आपके लाए बनाना. तो ये हम दोनों लेके आए. अब इसके साथ क्या combination होगा वो last में आपको पता चलेगा. Food combination is chips. Guess करो ये किसके साथ खाने वाले हैं इन सब में से. आइसक्रीम, चिप्स एंड आइसक्रीम इतना वियर्ड नहीं है आई गेस. थोड़ा सा और चलो मैं बता देती हूँ. न्यूटेला वाले जो लेज है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बहुत पसंद है. खाना इसे पसंद नहीं है पर स्टार्ट थोड़ा एक दो मेरे में से कर लो. आप ही मेरे में से लेते हो, ऐसा होता है. सोचो अभी भी ऐसा होता है. अगर कोई दूसरा फ्लेवर होगा तो सब एक दूसरे का ट्राई करते हैं. अगर हम लोग एक साथ चिप्स खाते हैं ना तो बहने हो जाते हैं. तुम मुझे पहले अपना दो, तुम मुझे अपना दो. हम वैसे भी बहने ही हैं. मेरे से नहीं होता ये सब भाई, मैं नहीं खा सकती. बट ऑन द अदर हैंड आई लव चीज, तो चीज मुझे बहुत पसंद है. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है देखते हैं. बट इसमें मुझे बहुत लो एक्सपेक्टेशंस है. इसमें तो मुझे थोड़ा सा मोमोज जैसा लग रहा है. ची मम्मी प्लीज मोमोज को इससे कंपेयर मत करो. मैं लुक की बात कर रही हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ. देखो लुक मुझे चीज ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है. खाने के बाद इतने अच्छे प्लेन एक्सप्रेशंस बना के कैसे बात कर रही है. मेरे से नहीं सेट होगा ये सब. इस वाले वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन को मैं रेट करूंगी 2 क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई नो किसी किसी को ये पसंद आ सकता है पर मेरे से नहीं हुआ. आप कितना दोगे? 5. ओके सो द नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होने वाला है. सो वी हैव वनीला आइसक्रीम, यम्मी यम्मी. तो इसके साथ जो इंटरनेट पे कॉम्बिनेशन था वो था हॉट सॉस के साथ, पर हॉट सॉस मुझे मिला नहीं तो मैंने इसको थोड़ा और वियर्ड ही कर दिया. इसके साथ आई एम गोना डू ओरिगैनो प्लस चिली फ्लेक्स. सो ये आपको नहीं पता था ना. सो आई हैव चिली फ्लेक्स एंड आई हैव ओरिगैनो एंड वी गोना डू दिस. और हम इसको जेनरसली एक एक पूरा पाउच डालेंगे और मिक्स करेंगे और फिर खाएंगे. ये इतना सॉल्टी सा हो गया है.
सो अब इसको रेट करो. ये मम्मी का सबसे लो रेटिंग था अब तक. मैं भी इसको एक्चुअली रेट करूंगी 3 क्योंकि हाँ ये बहुत डिस्गस्टिंग है. मैंने खाया ना तो वो मीठा मीठा लगा ऐसे हाँ से, और फिर बाद में वो जितना स्पाइस था जब वो गले में पूरा ऐसे गया ना तो एकदम दिमाग घूम गया. सो या इसको हम दोनों ही 3 रेट कर रहे हैं. वी हैव सम हनी एंड सम फ्रेंच फ्राइज. इंटरनेट पे था कि ये वाला वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन एक्चुअली टेस्ट गुड. लेट्स सी कितना अच्छा टेस्ट करता है. हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत ठंडे हो गए. मुझे भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये. तो भी मैं 2 रेटिंग करूंगी. आप 4. गाइस सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन. और ये वाला मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है. सो इसमें है हमारे पास फर्स्ट मेरा सबसे प्यारा फेवरेट पिज्जा. वी हैव चीज मार्गरीटा पिज्जा ओवर हियर. एंड उसके साथ हम बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज करने वाले हैं. चलो अब इसमें इतना ऑप्शन यहाँ रखे नहीं है तो मैं ही बता देती हूँ. प्लस चॉकलेट प्लस पिज्जा और हमें ऐसे ही पूरा मेल्ट करके. सो ये था ऑनलाइन चीज पिज्जा विद मेल्टेड चॉकलेट. एंड इसको देख के वो फोटो देख के ही मुझे लगा अरे ये क्या है, मेरे से नहीं होगा. एंड एप्पल वाला पिज्जा तो फिर भी समझ आता है, पर ये मेल्टेड चॉकलेट और चीज पिज्जा का क्या कॉम्बिनेशन है. मतलब मुझे सोच के भी लग रहा है क्यों मैं इतना प्यारा सा पिज्जा ऐसे ही बर्बाद नहीं करूंगी. गाइस तो माइक्रोवेव में हो ही नहीं रही थी मेल्ट, तो यहाँ पे मम्मा ने ये हॉट वाटर बाद बना के इसको मेल्ट करा है. अब हम इसको अपने पिज्जा स्लाइस के ऊपर पूरा पोर करेंगे. हियर इज आवर चॉकलेटी चीज पिज्जा. बोलने में भी अजीब लग रहा है. एंड इसमें एकदम अच्छे से कोई चीटिंग नहीं की है, पूरा अच्छे से चॉकलेट इसके ऊपर स्प्रेड करा है. मेरा कहना जरूरी है क्या? देखो खुद फंस रही है, मुझे भी फंसा रही है. मम्मा पूरा अच्छे से जितनी बड़ी मैंने बाइट ली उतनी. ऐसा क्यों? प्लीज मेरे साथ ही पूरा कॉम्पिटिशन लगाया हुआ है इसलिए. देख लो पहले वीडियो में अकेले करने वाली थी, फिर मैंने सोचा मम्मा भी तो है. यहाँ पे आके मम्मी के एक्सप्रेशन देखने को मिले हमें. क्या क्या चीज है इसमें? टोमेटो सॉस है सोचो ना, वो सब है इसीलिए और ओरिगैनो वगैरह भी है और उसके बाद हम ये खा रहे हैं इसलिए अदरवाइज तो इसको रेट करूंगी मैं सबसे कम 1 या 0. आप कितना रेट करोगे इसे? 4. मम्मी 4? मम्मा तो आपने सबसे कम रेटिंग इसको दी थी आइसक्रीम को. आइसक्रीम इससे मुझे फिर भी बेटर लगी, पता नहीं क्यों. मेरे को मैंने इसको खाते समय ना वो थोड़ा अपने मन में विचार ये लाया था कि मैं ब्रेड खा रही हूँ क्योंकि ओके. सो जल्दी से हम दोनों अपना सेकंड इंग्रेडिएंट लाते हैं और हमें भी नहीं पता है वो क्या है. सो मैं चुटकी बजाऊंगी और वो आ जाएगा. क्लासिक ट्रांजिशन. ये जो मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है टोमेटो केचप. एंड मम्मा का है अचार. मतलब हम दोनों का दिमाग काइंड ऑफ एक ही डायरेक्शन में गया है. सो ठीक है, पर मुझे लगता है मेरा कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है. पार्ले जी प्लस टोमेटो केचप, मतलब कैसा लग रहा है आपको? मेरा कौन सा अच्छा है? आपने कैसे बनाना से हम अचार भी खा सकते हैं? क्यों सोचेगा कोई ऐसे? जब उसने बोला कि मम्मी तुम एक मुझे देना एक मैं तुम्हें दूंगी, तो मैंने सोचा कि इसका ये खाएगी मैं इसका वाला करूंगी. मुझे नहीं पता करना चाहिए था क्या, पर फिर ठीक है. मुझे नहीं पता था कि ये अपने को भी ट्राई करना पड़ेगा. कुआं इसके लिए खोला तो अच्छे से लो प्यार से. बुरा नहीं है, मुझे नहीं पता था कैसा लगेगा. मतलब इतना बुरा नहीं है जितना मैंने अभी खाया है ना ये सब. दिखने में बहुत बेकार लग रहा है कॉम्बिनेशन. हाँ पता है कैसा लग रहा है मुझे? जैसे फ्रूट चाट में जब सारे फ्रूट्स होते हैं वो मसाला डालते हैं ना ऊपर, वैसा लगता है. तो इतना बुरा नहीं लगा. फिर आप कितना देगी मैम इसको? 6. यस. आप कितना दोगे? 7. मेरा वाला जो है ना भाई ये तो टेस्टी था आपका. ये जो है ये बहुत डिस्गस्टिंग होगा भाई साहब.
ना तो फिर पूरा पूरा ही पड़ेगा मेरी तरफ। चलो आप पहले। नहीं नहीं पहले नहीं, एक साल। अरे आप अच्छा ठीक है पहले। ये टॉर्चर है। टॉर्चर है। ओह नो मुझे नहीं खाना। ची 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 गाइस देखो आप ये कितना डिसगस्टिंग लग रहा है। खाइए खाइए। इस इसकी स्मेल से भी नहीं हो पा रहा। खाइए। मम्मा प्लीज यार बच्चे मैं आपकी ये चैलेंज वही होना था मुझे पता है आपको मेरा खाना ना मेरे को आपको नहीं 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 तो हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं है। खाओ खाओ। ची 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 भाई पानी चाहिए। इससे मच मच बेटर हमारा चॉकलेट पिज्जा था। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया इसलिए मैं इसको सबसे मतलब माइनस माइनस में मैं इसको रेट करूंगी। मैं भी जीरो। मम्मी का पहला जीरो। चलो मैं खुश हूँ कि फाइनली इस पूरे वीडियो में एक चीज तो मम्मी को एकदम खराब लगी। मेरा सर घूम गया लिटरली से खा के ना घूम गया सर। सही सही बोल रहे हो। ये मतलब ये बहुत ही गंदा था। ओके गाइस सो ऑन दैट नोट आई एम गोना बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आप भी इसमें से कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो। इतने कुछ कुछ बुरे नहीं थे बट भाई साहब कुछ कुछ ने तो सच में दिमाग खराब कर दिया। बट या गाइस इफ यू एंजॉयड दिस प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 अभी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब तो कर ही देना। एंड इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो कि आपको आगे कैसे वीडियोस देखने हैं, कैसे चैलेंजेस देखने हैं। एंड या गाइस अपना ध्यान रखो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो और सारे प्रिकॉशंस लो। एंड